यदि आप लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आरबीआई की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आया है जहां पे आप लोग अपना क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट नेटवर्क है उसको चेंज करवा सकते हैं और पोर्ट करवा सकते हैं। यदि आप लोग वीजा यूज करते हैं तो मास्टर में चेंज करवा सकते हैं, मास्टर यूज करते हैं तो रुपए में चेंज करवा सकते हैं। तो इस टाइप से आप लोगों को पोर्टेबिलिटी मिल जाता है, तो यानी कि आप लोग पेमेंट नेटवर्क चेंज करवा सकते हैं। तो इसका क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, कैसे आप लोग चेंज करवा सकते हैं और क्या अपडेट आया है, सारी चीज के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं देख रिव्यू यूट्यूब चैनल। तो चलो 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 चालू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्रेडिट कार्ड का आरबीआई का न्यू रूल के बारे में जानने वाले हैं, यानी कि क्रेडिट कार्ड पोर्टेबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप लोग पास कोई क्रेडिट कार्ड होगा वहां पर आप देखिएगा इस टाइप का बैनर रहता है जहां पर आप लोग रुपए लिखा रहता है या वीजा लिखा रहता है या मास्टर कार्ड लिखा रहता है। तो अब आप लोग रुपए से यदि आप लोग मास्टर कार्ड में चेंज करना चाहते हैं या वीजा से रुपए में चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो यदि आप लोग को एस क्रेडिट कार्ड चाहिए और आप लोग चाहते हैं कि मुझे वीजा वेरिएंट में नहीं चाहिए, मास्टर वेरिएंट में चाहिए, तो वो ले सकते हैं। या आप लोग चाहते हैं कि आप लोग रुपए वेरिएंट में लेना चाहते हैं एस क्रेडिट कार्ड को, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। तो यानी कि आप लोग पोर्टेबिलिटी मिल जाता है, आप लोग कोई भी कार्ड को किसी भी वेरिएंट में ले सकते हैं, यानी कि किसी भी पेमेंट नेटवर्क पर ले सकते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले ये कार्ड नेटवर्क होता क्या है, यानी कि आप लोग को कोई कार्ड वीजा वेरिएंट के साथ मिल रहा है या मास्टर वेरिएंट के साथ मिल रहा है या रुपए वेरिएंट के साथ मिल रहा है, इससे फर्क क्या पड़ता है, एज ए कस्टमर आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है और ये पेमेंट नेटवर्क होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये कार्ड नेटवर्क कैसे काम करता है ये हम लोग जानते हैं। तो लेट्स सपोज आप लोग किसी मर्चेंट में जा रहे हैं, आप लोग हो सकते हैं किसी ऑनलाइन मर्चेंट के पास जा रहे हैं या POS मशीन को यूज कर रहे हैं, प्रोसेस सेम ही रहता है। तो कोई भी आप लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन मर्चेंट के पास जा रहे हैं तो आप लोग कार्ड डिटेल्स डाल रहे हैं या स्वाइप कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि एक ट्रांजेक्शन जनरेट हो रहा है जो कि एक स्वाइप मशीन जो होगा या पेमेंट गेटवे होगा वो किसी बैंक का होगा। लेट्स सपोज हम लोग स्टोर का ही बात करते हैं तो ये POS मशीन जो है वो लेट्स सपोज HDFC बैंक का है। तो आप लोग कार्ड स्वाइप किए और HDFC बैंक के पास एक इन्फॉर्मेशन गया कि ये कस्टमर है जो कि जिसका नाम है कृष्णा, वो एक 10,000 रुपये का पेमेंट करना चाहता है। ये तो HDFC बैंक के पास तो कोई नॉलेज नहीं है कि मेरे पास 10,000 रुपया क्रेडिट कार्ड में है कि नहीं है, लिमिट ही 5,000 का है और मैं 10,000 का ट्रांजेक्शन करना चाह रहा हूँ, तो ये सब नॉलेज तो HDFC बैंक के पास तो होगा नहीं, क्योंकि मर्चेंट तो HDFC बैंक है लेकिन मेरा जो क्रेडिट कार्ड है वो है ICICI बैंक का। तो मैंने एक ट्रांजेक्शन किया 10,000 रुपये का। अब ये HDFC बैंक पूछेगा पेमेंट नेटवर्क से, यानी कि वीजा से या मास्टर से या रुपए से या MX कार्ड जो भी आप लोगों का रहेगा पेमेंट नेटवर्क। लेट्स सपोज मेरा जो पेमेंट नेटवर्क है वो रुपए है, तो HDFC बैंक रुपए से पूछेगा क्या भैया इस कृष्णा वाला आदमी के पास 10,000 रुपया क्रेडिट कार्ड में है? तो रुपए बोलेगा रुको दो मिनट, मैं मेन जो बैंक है जो कार्ड इश्यूअर बैंक है उससे पूछ के बताता हूँ। कार्ड इश्यूअर बैंक यानी कि ICICI बैंक से पूछेगा, ICICI बैंक बोलेगा कि हाँ कृष्णा के पास 10,000 रुपया का लिमिट है, इस पेमेंट को प्रोसीड कर दो। तो ये जब इन्फॉर्मेशन तो रुपए को देगा तो रुपए जो क्या करेगा HDFC बैंक को ये इन्फॉर्मेशन देगा और HDFC बैंक क्या करेगा मर्चेंट का ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल कर देगा। तो ये जो ट्रांजेक्शन एक आप लोग करते हैं सिंपल से स्वाइप मशीन से या आप लोग ऑनलाइन में, तो इस टाइप का प्रोसेस फॉलो होता है। पहले मर्चेंट पूछेगा बैंक से, बैंक पूछेगा पेमेंट नेटवर्क से, पेमेंट नेटवर्क पूछेगा मेन बैंक से जो कि जिस बैंक से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है उस बैंक से, और वो बैंक रिप्लाई करेगा रुपए को यानी कि कार्ड नेटवर्क को, और कार्ड नेटवर्क रिप्लाई करेगा POS मशीन यानी कि जिस बैंक का POS मशीन होगा या गेटवे जिस बैंक का होगा उस बैंक का, उसके बाद वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मेनली क्या हो रहा है यहाँ पे, एक पेमेंट नेटवर्क क्या हो रहा है, एक ब्रिज का काम कर रहा है, एक लिंक का काम कर रहा है दो बैंक के बीच में। तो इस टाइप से ये पेमेंट नेटवर्क काम करता है, यानी कि ये ब्रिज का काम करता है, एक लिंक का काम करता है। तो इस टाइप से ये पेमेंट नेटवर्क काम करता है। तो यहाँ पे आप लोग वीजा मिल जाता है, मास्टर मिल जाता है, रुपए मिल जाता है, यही मैक्सिमम टाइम चलता है और कभी कभी MX भी चलता है। तो ये सब मेन आप लोगों को पेमेंट नेटवर्क मिल जा रहा है। तो यदि आप लोग पेमेंट नेटवर्क चेंज करते हैं तो इसका प्रॉफिट क्या होगा ये हम लोग जान लेते हैं। तो यदि लेट्स सपोज आप लोग चाहते हैं कोई क्रेडिट कार्ड आप लोग पसंद है, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल के लिए एस क्रेडिट कार्ड ही आप लोग पसंद है, लेकिन एस क्रेडिट कार्ड क्या होता है वीजा कार्ड के साथ आता है, लेकिन आप लोग चाहते हैं एस क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट, लेकिन आप लोग जो क्रेडिट कार्ड चाहते हैं वो चाहते हैं रुपए वेरिएंट में, रुपए वेरिएंट में रहेगा तो क्या होगा कि आप लोग UPI ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और बहुत सारा फैसिलिटी मिलेगा, वो सब आप लोग एडवांटेज मिल जाएगा। तो आप लोग एक्सिस बैंक को रिक्वेस्ट कीजिएगा कि मुझे एस क्रेडिट कार्ड चाहिए लेकिन वो जो वेरिएंट होना चाहिए वो रुपए वाला होना चाहिए। तो एक्सिस बैंक क्या करेगा रुपए वेरिएंट वाला आप लोग क्रेडिट कार्ड ऑफर कर देगा। इससे प्रॉफिट क्या होगा कि रुपए कार्ड क्या है
इंडियन पेमेंट नेटवर्क है, तो आप लोग इंडियन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, और जो भी आप लोग जो चार्जेस लग रहा है, MDR लग रहा है, वो क्या हो रहा है, इंडिया में ही रह रहा है। और वीजा और मास्टर क्या है, यूएसए का कंपनी है, तो वो क्या होता है, प्रॉफिट यूएसए चला जाता है। तो आप लोग रुपए यूज करते हैं, तो आप लोग एक तरह से आप लोग इंडिया में ही पैसा को रख रहे हैं। और वीजा और मास्टर में क्या होता है कि ये यूएसए का कंपनी है, तो वहां पे पैसा चला जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को ये इंडियन टेक्नोलॉजी आप लोगों को यहाँ पे मिल जा रहा है। तो आप लोग रुपे कार्ड क्या है कि इंडियन पेमेंट नेटवर्क है, जो कि डेवलप्ड और लॉन्च किया गया है NPCI के द्वारा 2012 में। और रुपे में क्या होता है, MDR चार्ज बहुत कम लगता है, और ये जो है वो इंडियन टेक्नोलॉजी है, तो जो भी आप लोग चार्जेस लगता है, यानी कि जो एज अ मर्चेंट को चार्जेस लगता है, वो बहुत कम लगता है, और इंडिया में ही ये चार्जेस रहता है। और मास्टर और वीज़ा में आप लोग चार्जेस थोड़ा ज़्यादा लगता है, और प्लस ये मास्टर और वीज़ा क्या होता है, अमेरिकन कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को लगता है। और रुपए क्रेडिट कार्ड में आप लोग एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है UPI ट्रांजेक्शन करने का। बहुत टाइम में क्या होता है कि बहुत सारा स्टोर में जाते हैं जहाँ पे आप लोगों को POS मशीन नहीं मिलेगा, लेकिन QR कोड क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। छोटा छोटा चाय दुकान में भी आप लोग QR कोड मिल जाएगा। तो आप लोगों का यदि रुपए क्रेडिट कार्ड होगा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, QR कोड को स्कैन करके आप लोग UPI ट्रांजेक्शन कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू। लेकिन POS मशीन क्या होता है, छोटे छोटे दुकान में तो होता नहीं है, छोटे छोटे जो चाय दुकान में होता है उसमें POS मशीन तो होता नहीं है। तो रुपए क्रेडिट कार्ड के साथ आप लोग UPI करने का बेनिफिट मिल जाता है। तो सारा चीज क्या, रुपए के साथ एडवांटेज ही है, नहीं कुछ डिसएडवांटेज भी है। यदि आप लोग ग्लोबल एक्सेप्टेंस के बारे में बात करें, तो रुपए का ग्लोबल एक्सेप्टेंस थोड़ा कम है। मास्टर और वीजा यूएसए की कंपनी है, तो बहुत सारे कंट्री में मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड एक्सेप्ट होता है, लेकिन अभी रुपए क्रेडिट कार्ड बहुत कम कंट्री में एक्सेप्ट होता है। तो यदि आप लोग फॉरेन ट्रैवल जाया करते हैं या विदेश में जाया जाते हैं, तो उस केस में आप लोग को वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड ज्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन आप लोग इंडिया में ट्रांजेक्शन करते हैं तो रुपए कार्ड ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन मिल जा रहा है, आपके नीड के हिसाब से आप लोग कोई भी पेमेंट नेटवर्क को चूज कर सकते हैं। ये बेनिफिट लाया गया है RBI की तरफ से, जो कि काफी अच्छा और काफी वेलकम मूव मैं मानता हूँ। यहाँ पे आप लोग कुछ पॉइंट नोट कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग को यहाँ पे RBI के द्वारा बताया गया है कि कोई भी बैंक ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा कार्ड नेटवर्क के साथ जो कि रेस्ट्रिक्ट करता हो, वो कार्ड को उसी नेटवर्क के साथ इशू करना पड़ेगा, कोई अदर नेटवर्क के साथ इशू नहीं कर सकता है। तो RBI ने स्ट्रिक्टली ये बताया गया है बैंक को, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट अब पेमेंट नेटवर्क के साथ नहीं करेगा जहां पे पेमेंट नेटवर्क ऐसा कोई कंडीशन रखे जिससे वो बैंक दूसरे पेमेंट नेटवर्क पे वो कार्ड को इशू ना कर पाए, ऐसा कोई एग्रीमेंट बैंक आपसे नहीं कर सकता है। यानी कि पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन आपसे बैंक को देना पड़ेगा। और जिस लोगों के पास पहले से कोई कार्ड है उसको क्या होगा, तो लेट्स सपोज आप लोगों के पास एस क्रेडिट कार्ड है जो कि वीजा के साथ है, लेकिन आप लोग उसको रुपए में लेना चाहते हैं, तो आप लोग नेक्स्ट रिन्यूअल में ले सकते हैं। जब ये कार्ड एक्सपायरी हो जाएगा, तब जब नया रिन्यूअल होगा, उस टाइम में आप लोग बैंक को रिक्वेस्ट करके आप लोग रुपए वेरिएंट में ले सकते हैं। अब ये जो रूल है वो छोटे बैंक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि कोई ऐसा बैंक है जो अभी 10 लाख से भी कम का आदि कार्ड को इशू किया है, तो उस बैंक को ये कंडीशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वो चाहे तो एक पेमेंट नेटवर्क पे भी कार्ड को इशू कर सकते हैं। और ये जो रूल है ये 6 मंथ के अंदर सभी बैंक को फॉलो कर लेना पड़ेगा। तो इस टाइप का ये रूल आया है, जो कि काफी अच्छा रूल हो जाएगा, जहां पे आप लोग कार्ड को पोर्ट करवा सकते हैं, यानी कि जो भी पेमेंट नेटवर्क में आप लोग कार्ड चाहिए वो पेमेंट नेटवर्क का आप लोग कार्ड ले सकते हैं, जो कि काफी अच्छा काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन है RBI की तरफ से। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं आपको ये डिसीजन कैसा लगा। तो उम्मीद करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।